अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हसन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में ऑनलाइन दाखिलों का ऐलान किया है, जिसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इस पर मैं पहले ही एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको ऑनलाइन अप्लाई और गूगल क्रोम में जो मुसीबतें पेश आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल वीडियो जो है उनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतानी है। मैं गूगल क्रोम में आप लोगों के लिए ये लिंक मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ये अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट आइए आपको दिखाते हैं, ये लिंक फिर खुलता नहीं है, टेक्निकल गलती है। ये देखें, एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई। तो नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें तो ये कुछ आप लोगों के सामने आ जाता है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इसका हल ये है कि आप गूगल क्रोम की बजाय मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल करें। जो खुशहाल खान खटक वेबसाइट डेवलपर हैं उनको भी चाहिए कि इस गलती का इजाला करें, ठीक करें इसको। गूगल क्रोम में मैं साइन अप कर रहा हूँ, साइन अप करने के बाद साइन अप करने का प्रोसेस मैंने आपको चूंकि बता दिया, मैं एक मरतबा फिर आपको ये बताने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें तो उसमें अपना नाम, जो यूनिक आपकी आईडी है यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या आपका ईमेल एड्रेस, वो देंगे अपना नाम और पासवर्ड देके आप साइन इन की तरफ आएंगे। वहाँ पर आपने जो भी दिया होगा यानी अपना आईडी कार्ड नंबर या अपना यूज़र नेम, यहाँ पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर या ईमेल वगैरह कोई ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप देंगे जो दूसरों से यानी पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुदमन साबित होगा। नाम और अपना जो आपका पासवर्ड है, एक्सेप्ट और टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप फिर साइन इन पे, साइन इन की बटन पे जाते हुए अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करें, अदरवाइज लीव कर दें। ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, और पासवर्ड जो आपने दिया है वो पासवर्ड आप यहां पर भी देंगे और फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में प्रोग्राम चॉइस आप करेंगे, जितने 3 से ज़्यादा प्रोग्राम चॉइसेस आप नहीं कर सकते हैं। सीट एलोकेशन यानी कोटा कौन सा और आपको चाहिए, तो फिर नेक्स्ट पे पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे। स्टेप 2 में अपना नाम, वालिद का नाम, वालिद क्या काम करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल आपका, आपकी तारीख पैदाइश और वगैरह वगैरह। स्टेप 3 पे अपना एड्रेस आप देंगे, घर का पता। स्टेप 4 पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे और फिर नेक्स्ट जाएंगे। स्टेप 5 पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन देंगे, कौन सी बोर्ड से, पासिंग ईयर, मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बारे में मालूमात देंगे और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। स्टेप 6 पे टेस्ट स्कोर अगर अवेलेबल है तो वो देंगे, लेकिन बीएस 4 ईयर्स वालों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, अगर देना है तो फिर आप यस करके देंगे और फिर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 7 पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपकी है तो वो देंगे। स्टेप 7 पे पेमेंट चालान फॉर्म वगैरह ये आप दे के सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपका अपना जो फॉर्म है वो ज़ाहिर हो जाएगा, वो आप प्रिंट आउट उसकी निकलवाएं। जब प्रिंट आउट निकलवाएं तो बैंक में यानी बैंक ऑफ खैबर में पैसे जमा करें। पैसे जमा करने के बाद आप इंतज़ार करेंगे, जब मेरिट लिस्ट लगेगा तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उस दिन आप ये फॉर्म, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटो और जो पैसे हैं, ड्राफ्ट आपने जो बनाया है बैंक ड्राफ्ट, बैंक ऑफ खैबर में गालिबा 800 रुपये का है, तो उस समेत आप जाएंगे। उम्मीद है कि ये प्रोसेस आप लोग खुद सीख चुके होंगे और कोशिश होगी कि आप अपने घर में अप्लाई करके कीमती ज़र मुबादला आप बचा सकें।
चाहते हैं कल तक आपसे इजाज़त, कल भी एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो आने को है। कहीं भी भागने का नहीं, हसन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल आपका अपना है। रोज़ाना एक वीडियो यानी एक बहुत बड़ी मालूमात आपको हम बताते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल तक चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह वारिस।